हेलो दोस्तों, आज हम आपको हर्बल शैम्पू से बाल काले करने का तरीका बताएंगे। ये देखिए, पिछले एपिसोड में हमने हर्बल शैम्पू को बनाया था। ये देखिए, रीठे, आंवला, शिकाकाई, इससे हमने हर्बल शैम्पू बनाया था। अब इससे हम आपको बताएंगे कि बालों को कैसे काला किया जाए, और अगर हम इसका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो बाल आपके बहुत टाइम तक काले रहेंगे और देर में सफ़ेद होंगे। और काले जो बाल होते हैं वो काले रहते हैं, सफ़ेद बालों को भी काला किया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए एक लोहे की कढ़ाई। ये देखिए, मेरे पास एक लोहे की कढ़ाई है। मैं इसको, जो मैंने हर्बल शैम्पू बनाया था उसको इसमें डालती हूँ, और इसको डालकर मैं रात में रख दूंगी, जिससे कि ये सुबह तक काले हो जाएंगे। इसको 8-10 घंटे तक रखे रहने देना है, जिससे इसका कलर काला हो जाएगा। ये देखिए, ये काला हो गया है। ये देखिए, ये ब्लैक हो गया है। ये देखिए, आपको दिखाएं इसका फर्क, कि पहले इसका कलर ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया है। आयरन की जो कढ़ाई थी उससे ये बिल्कुल काला हो गया है, पहले ये ऐसा था। दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ग्लव्स की सहायता से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने तो आपका बाल तो काले होंगे, साथ में आपके हाथ भी काले हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको ग्लव्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, ये एक तरह की डाई है, एकदम काला कर देती है। ये देखिए, इसमें फ़र्क, और ये है, ये जो वाइट वाला है, इतना फ़र्क है। अगर यही आप अपने वाइट बालों में लगाएंगे तो आपके बाल काले हो जाएंगे, और इसको 10-15 मिनट तक लगे रहने दें। अब आप इसको रेगुलर ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल काले हो जाएंगे, वाइट बाल काले हो जाएंगे और बहुत टाइम तक काले ही रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।